और आपके हाथ में भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इस वर्ष तो बहुत कुछ है, इस वर्ष तो बहुत कुछ है। एक ऐसा नायक आप राष्ट्र को दे सकते हो जिसके बल पर पाकिस्तान और चाइना कांप जाए। एक ऐसा नायक दे सकते हो आप, ये आपके हाथ में है। आप कहते हो ना कि हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तब सोते हैं और बाद में फिर रोते हैं। बस यही काम करते आए हैं। अब आओ, जब करने की बारी आए तो हम कर सकते हैं। हम चाणक्य बन करके किसी चंद्रगुप्त को बिठा सकते हैं इस भारत की सत्ता पर और समस्त नंद वंशों का नाश करा सकते हैं, ऐसा राज्य दे सकते हैं। हम और आप एक एक प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ऐसे लोगों को बिठाने की जरूरत नहीं है जैसे एक नेताजी किसी गांव में वोट मांगने गए तो वोट मांगते समय इन्होंने कहा कि देखो तुम मुझे वोट दो, मुझे दिल्ली पहुंचाओ, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। बिजली नहीं है तो बिजली दूंगा, पानी नहीं है पानी दूंगा, लाइट नहीं है, कुछ भी सड़क खराब है, जो कुछ भी है मैं सब दूंगा, तुम तो मुझे वोट दो। और फ्री का मिल जाए तो लोग तो तैयार बैठे रहते हैं। उसने कहा कि तुम बताओ तो सही, सब व्यवस्थाएं दूंगा, बस तुम तो मुझे एक ही काम करो, वोट दो। तो लोगों ने कहा, बड़े गरीब से लोग थे, गांव के लोग थे, सामान्य से लोग थे, कि देखो नेताजी हमारे पास वैसे तो सब कुछ है, जैसा भी है, लाइट सड़क पानी जैसा है अच्छा है, हमारे यहाँ की शमशान भूमि थोड़ी छोटी पड़ गई है, इसलिए शमशान भूमि को थोड़ा बड़ा करवा दो, बस इतनी कृपा करो। अब नेताजी को ये पता ही नहीं है कि शमशान भूमि होती क्या है, पता ही नहीं। कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं, कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जिनको भारत की परंपरा संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है, भारत क्या है उनको पता ही नहीं है। अब नेताजी को पता नहीं कि शमशान भूमि होती क्या है, लेकिन अब नेता तो नेता, अब ना भी नहीं कर सकते कि भाई मैं नहीं जानता, अब यूं कहूं कि नहीं जानता तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, और यूं कहूं कि कर दूंगा तो मुझे पता नहीं है कि ये होता क्या है। तो एक आदत होती है थोड़ा नेताओं की कि कुछ काम करें ना करें पर ना कुछ नहीं करते, और बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा बोलना। तब इनको ध्यान आया कि मैं वोट मांगने आया हूं, बहुत से लोग आते हैं वोट मांगने के लिए। अरे बहुत से लोग तो माताओं साड़ी लेकर आएंगे आपके पास और आते हैं कि मैं बिल्कुल कृष्ण कन्हैया हूं, हे द्रौपदी तुम मेरी बहन हो, चीर बढ़ाने आया हूं। पर एक बात याद रखना, अपने स्वार्थ में लोभ में आकर के आपने राष्ट्र के साथ गद्दारी की, और स्वार्थ में आपने वो साड़ी ले ली और बदले में साड़ी के वो वोट दे दिया, तो यही जो आज कृष्ण कन्हैया बन करके आए वो 5 साल तक दुशासन बनकर चीर खींचते रहेंगे। ये बात ध्यान रखना। तो नेताजी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम जो कहते हो मैं सब समझ रहा हूं, मैं सब जानता हूं, तुम चिंता ना करो, मुझे वोट दो, मुझे दिल्ली पहुंचाओ, मुझे नेता बनाओ, मैं तो तुम्हारे घर घर को शमशान भूमि बना दूंगा। अब ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दोगे तो क्या होगा, इसलिए सच बता रही हूं, ये बात मात्र हंसने की नहीं है, ये बात राष्ट्र के निर्माण की है। जब तक चंद्रगुप्त हैं तब तक इस राष्ट्र का कुछ न हुआ, लेकिन जैसे जैसे कमजोर सत्ता दिखी तो बाहरी आक्रांताओं ने हम पर हमला किया और इस भारत को खंडहर बना दिया। मुझे आश्चर्य होता है कि इस भारत में रामायण के अखंड पाठ होते रहते हैं और उसी देश को खंड खंड करके खंडहर बना दिया। ये हम हिंदुओं के लिए शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि हम कभी एक न हुए, क्योंकि हमने कभी एक तरफ जा करके, हमने कभी अपने स्वार्थ से आगे आकर के राष्ट्र के बारे में नहीं सोचा, हमने कभी आगे आकर के ये नहीं सोचा, हमने कभी राष्ट्र को जिया नहीं, हमने कभी राष्ट्र को देखा नहीं, चिंतन नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से, शायद अभी अपरिचित हो तुम कर्मवती की राखी से,
तुमने जाकर नहीं देखा है जलियां वाले बागों को, तुमने जाकर नहीं देखा सिंदूर पूछी उन मांगों को, तुमने जाकर नहीं देखा है उस माथे की रोली को, तुमने जाकर नहीं देखा है खाली माँ की झोली को। भगत सिंह की फांसी के अगर फंदे से पूछा होता, गुरु श्रोमणि गोविंद सिंह के बंदे से पूछा होता, तो कभी न कहते तुम केवल ये महल मकान हमारा है, बरबस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, बरबस तुमको कहना पड़ता। अरे अपने घरों से निकलो और इस चार दीवारी से थोड़ा सा बाहर चिंतन देखो, ये पूरा राष्ट्र हमारा घर है, पूरा देश हमारा घर है, और इस देश में हमारी जिम्मेदारी है कि शांति रखें, इस देश में स्वच्छता रखें, इस देश में प्रेम रखें, और इस देश की गद्दी पर कोई गद्दार न बैठने पाए, ये हम और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी है। गलत राजनीति नहीं होती, लोगों के मन में गलतियां और कमियां हैं, लोगों का मन गलत है, यह राजनीति जब राम जी ने की, क्या राम जी की जो कथा आप सुन रहे हो, जब ये राजनीति राम जी ने की तो ये मर्यादा बन गई, जब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने की तो यही राजनीति योग बन गई, राजा हरिश्चंद्र ने जब राजनीति की तो सत्य बन गई, और आओ आज पुनः हम ऐसे प्रभावशाली राजनीति को हम आगे लाकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें कि हम भारतीयों के लिए ये वरदान बन जाए और आगे युवाओं का भविष्य उज्ज्वल कर सके, ये हमारे हाथ में है। इसमें किसी सत्ता और पदवी की बात नहीं बंधु, इसमें मेरे देश की बात है, मेरे गौरव की बात है, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तो मेरी ये कथाएं सुरक्षित हैं, मंदिर सुरक्षित हैं, धर्म सुरक्षित है, माँ गौ माता सुरक्षित है, भारत माता सुरक्षित है, और राष्ट्र सुरक्षित नहीं तो कुछ भी सुरक्षित नहीं रहने वाला। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप आंखें खोलो और देखो। मैं ये नहीं कहूंगी कि किस व्यक्ति को आपने दिल्ली की गद्दी पर बिठाना है, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि आप सब चिंतन कर सकते हो, आप सब समझदार हो, सब जानकार हो, सब जानते हो, सब शिक्षित हो, सब अखबार की खबर पढ़ते हो और सब झेलते आए हो और देखते आए हो, और आज जो हो रहा है वो देख रहे हो, आप सब समझदार हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि मोदी जी को लेकर आओ या किसी और को लेकर आओ, कोई नाम नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि हाँ, दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा मजबूत शासक बैठना चाहिए जिस पर भारत गर्व कर सके, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया गर्व कर सके। अभी भारत में है हम, लेकिन जब भारत से बाहर हम कथा के लिए जाते हैं तब हमें पता चलता है कि कितना गर्व भारत के प्रति लोगों के मनों में जागा है, ये हमें पता चलता है। आपको यकीन नहीं होगा शायद, जब पिछली बार हम यूके में कथा करने के लिए गए तो हमने इंग्लैंड के अंदर भी तिरंगा लहरा करके कथा करी थी, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी, ये अब से पहले तो नहीं होता था और अब हो रहा है, तो भारत पुनः मुझे लगता है विश्व गुरु की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है।